हेलो गाइस, आज हम पूरी बनाएंगे और कैसे अकेले बेलेंगे और छानेंगे भी देखिए। हमने आटा 1 kg हमने सान कर रख दिए थे। आटा जैसे आप रोटी का आटा सानते हैं उसी तरह सानना, और सान कर हमने रख लिए हैं। अब आगे का प्रोसेस जारी। तो हमने कढ़ाई में 1/2 किलो तेल डाल दिए हैं और हमारा तेल गर्म हो रहा है, और छोटा एक पूड़ी हमने डाल दी है कढ़ाई में चेक करने के लिए। तो अब हम और सारे पूड़ियों को बेलेंगे, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो हम पूड़ियों को छानना शुरू करेंगे। तो पहला एक छोटा पूड़ी हमारा बन जाएगा ये। तो हम इसको पहले अग्नि माँ को चढ़ाएंगे, तब उसके बाद और सारे पूड़ियों को तलना शुरू करेंगे। तो गाइस, आप बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिए अकेले में कैसे है पूड़ी को बेलते और छानते हैं। तो इस तरह हमने पूड़ियाँ बेल कर छानने लगे हैं। हेलो गाइस, आँच को थोड़ा हाई फ्लेम में रहना चाहिए, तभी पूड़ियाँ फूलते हैं और तेल भी कम सोखते हैं। बस उसी स्टैंड का आँच होना चाहिए जिस तरह आप अकेले बेल के और छान सके। बहुत ज़्यादा न तेज कर दे कि आप बेल न सके, छान सके। तो इसी तरह गाइस, हमारा अगला पूड़ी बेलना स्टार्ट हो गया। अब हम छान भी रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह पूड़ियाँ बेलिए और ऐसे डाल के थोड़ा इसको पानी से छपका मारोगे तो ये पूड़ियाँ तभी फूलेगा। ऐसे थोड़ा हिला दीजिए तभी हमारा पूड़ियाँ फूलने लगेगा। और पूड़िया जब फूल जाए तो उसको पलट दीजिए। पूड़िया ज़्यादा थोड़ा खर भी निकालते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही निकालते हैं बहुत लोग। तो पूड़िया को प्रकार से लोग बनाते हैं, तो जो लाइटदार पूड़िया होते हैं थोड़ा ज़्यादा खर नहीं करते, और जो ज़्यादा खर करते हैं तो थोड़ा लाल करके निकालते हैं। तो देखिए, इसी तरह पूड़िया बन रहे हैं। तो हमने फिर पूड़ियों को डालने शुरू कर दिए तेल में। अब एक एक करके हम पूड़ियों को डालेंगे और ऐसे थोड़ा छपका मारेंगे पानी से, तो हमारा गैस से पूड़ियाँ सब फूल जाएंगे। तो इसी तरह हम अकेले पूड़ियों को बेलेंगे और छानेंगे। इसी तरह यही प्रोसेस है, सारे इसी प्रोसेस से हमें काम करना है। हमारा पूड़ी ऐसे ही लगातार बेलाई होगा और छनाई भी होगा। इसी तरह देखिए कितना सुंदर पूड़ियाँ बन रहे हैं। इसी तरह पौनी से आप छपके मारिए। अभी हमारा इतना आटा की पूड़ियाँ बनने आपके लिए बाकी है। इसी तरह सारी पूड़ियाँ आप बेल के छानिए। तो हेलो गाइस, आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको सारी जानकारियाँ अच्छी से हो। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल घंटी को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।